आज हम जा रहे हैं SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शंघाई ब्रांच। आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है जब भी हम कभी इंडिया में कोई भी फंड्स ट्रांसफ़र करने हो चाइना से। सब चीज़ पॉसिबल है, बस थोड़ा सा एक सिस्टम है यहाँ पर, वो सिस्टम फॉलो कर। सी यू। व्यू यार कमाल व्यू ना, कॉर्नर ऑफिस। ओके, बैक टू जो काम करने आए। सो कभी भी अगर पैसे जमा कराने हो आपके इंडियन अकाउंट में, तो आपके पास एक NRI अकाउंट होना चाहिए। और जब भी आप यहाँ पर आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शंघाई, ये मैं हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शंघाई, जब भी आए तो टैक्स सर्टिफिकेट साथ में लेके आए। एंड यहाँ पर आके ये फॉर्म भरने पड़ते हैं कुछ, इसके अंदर आप अपना सारे डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। मुझे ब्लर करना पड़ेगा जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं। कोई बात नहीं, ये सब करने के बाद आपको चाहिए साथ में अपना पासपोर्ट और आपका टैक्स सर्टिफिकेट, जो आपको चाइना के गवर्नमेंट ऑफिस से मिल जाएंगे। सो ये टैक्स सर्टिफिकेट के थ्रू ही आपका पता लगता है कि आप कितने आप कितना अमाउंट सेंड कर सकते हो वापस इंडिया। तो जैसे मैंने अभी 22 फरवरी 2019 को दिया था 462 RMB, ऐसे कुछ टाइम पर दिसंबर 2019 में मैंने दिया था 5000 RMB टैक्स। तो इसके बेस के ऊपर आप कितनी अमाउंट भेज सकते हो उसका सिस्टम रहता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, हम बहुत ऊपर हैं। यहाँ से पूरा शंघाई दिख रहा है, नॉट पूरा बट जितना आपको दिख रहा है उतना मुझे दिख रहा है। सब लोग खाना खाने गए हैं इसलिए हम ये कर पा रही हैं जो हम कर रही हैं। पंगे बहुत अच्छा लगता है यार जब आप विदेश में हो और आपका हिंदी में कुछ दिखे, भारतीय स्टेट बैंक। देखो भगवान भी रखे हैं इन्होंने, बुद्ध और गणेश जी, और ये हिंदी चीनी भाई भाई। न्यूज़ वाले की मत सुनो, न्यूज़ वाले पागल हैं। जो टिकटॉक है ना, वो तो कभी मुझे पसंद था नहीं, तो शुरू से ही वायरस है। ठीक है, दिमाग का वायरस। तुम्हारे क्या बिगाड़ी है, उनको बोले मोदी जी से पूछे, वो बताइए क्या बिगाड़ी है।